हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज की वीडियो जो हमारे पास 2 से 3 दिन का गैप और रेगुलर पेपर है, उस पेपर को कैसे हम टाइम मैनेज करें, बेसिकली टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज 22 को एग्जाम है और ये बीकॉम ऑनर्स का एग्जाम है। आज एसओएल का, बीकॉम ऑनर्स और एसओएल का एग्जाम है, ठीक है ना? तो सो दैट शाम को क्वेश्चन पेपर मेरे पास आएगा, मैं लाइव आके डिस्कस कर लूंगा जो हमारे पास एप्लीकेशन पे, और कोशिश रहेगी यूट्यूब पे भी लाइव आके मैं डिस्कस कर लूं पेपर आया कैसा था एग्जैक्टली, ताकि आपको आइडिया हो जाए। फिर कल 23, 24 एंड अगेन 25 को आपका एग्जाम है, तो बट ऑब्वियस है कि आपका 25 और फिर 26 को लगातार एग्जाम है, और 26 को हमारा अकाउंट्स का पेपर है। सर किस किस का है ये? नॉन कॉलेज के लिए भी है, और ये आपका एसएल प्रोग्राम के लिए, और रेगुलर दोनों है सर, प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों ही है। तो सारा काफी सारा लगभग लगभग ना पेपर एक दिन ही है कॉर्पोरेट का, सभी सेक्शन का। तो हमें टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि छुट्टी एक दिन की भी नहीं मिल रही है ना, तो उसके हिसाब से लेके चलेंगे। तो देखिए, मैं अगर टाइम लाइन को डिवाइड करूं और आपके थोड़े सा शेड्यूल को मैं कोशिश करूं, जो हर जनरली हर बच्चे का शेड्यूल होता है, मैं बात करूंगा सबसे पहले आज 22 है, फिर बात करूंगा मैं सर 23, और फिर मैं बात करूंगा 24, 25 को तो एग्जाम है हमारा, और 26 को भी एग्जाम है, ठीक है ना? अभी मैं 22 और 23, 22 को जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद 2 के आसपास बज गया है, ठीक है? तो उस टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो ये 22 में ना, क्योंकि आपने पहले प्रिपरेशन किया, एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो फुल फोकस्ड आपको करना है सर, फुल्ली आपको कॉर्पोरेट अकाउंट को टाइम देना है इस दिन आज। सर अगर आप 2 बजे देख रहे हो तो आपके पास कब से कब तक का टाइम है? 2 से लेके आपके पास रात के 12 PM तक का टाइम है, 12 बजे रात तक का, ठीक है ना? कितने घंटे हो जाते हैं सर? 10 घंटे हो जाते हैं, ठीक है? इस 10 घंटे में हमें इस 10 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, हमारे पास 10 आवर है, तो मैं हर डे का मैं एक प्लान बना देता हूँ। देखिए 10 घंटे, और फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। 10 घंटे हैं, मैं 10 घंटे का प्लान करता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं 1st आवर, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड सो ऑन 10th। और मैं टाइम भी लिख देता हूँ, चलो आपके लिए अभी 2 बज गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ये टाइम है। अभी 2 बजे जस्ट आपको बहुत लाइट फूड लेना है, ऐसा नहीं कि पेट भर के खा लिया तो फिर नहीं पढ़ पाओगे आप। लाइट फूड लेना है, कोशिश करो कि पानी पियो टाइम टू टाइम, नींबू पानी पियो या कुछ एनर्जी ड्रिंक वगैरह। एनर्जी ड्रिंक का मतलब आप जैसे कि कुछ मार्केट में ORS वगैरह आते हैं जिससे एनर्जेटिक, और कुछ ऐसी चीजें खाओ जिससे कि आपका सही मन बना है। तो थोड़ा लाइट खाना लेना है, और अभी आप पढ़ने बैठेंगे और यूनिट नंबर 3 उठा लेंगे। मैंने यूनिट नंबर 3 में वैल्यू एडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 10 ईयर के भी करा दिए हैं, और सारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो यूनिट नंबर 3 उठा लेंगे आप, और 3 यूनिट को आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 बजे तक खत्म, 5 या फिर आज मैं आपको टाइम दू 7 बजे तक। देखिए कितने घंटे हुए, 1, 2, 3, 4, 5, ये 3 यूनिट आप 7 बजे तक टारगेट लीजिए कि खत्म हो जाना चाहिए। आज शाम के 7 बजे तक ये 3rd यूनिट पूरा कंप्लीटली खत्म, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे बताता जाऊंगा करते जाइएगा, ये मैं सिर्फ आज 22 का बता रहा हूं। और उसके बाद 7 बजे के बाद थोड़ा सा आपको रेस्ट लेना होगा, इन बिटवीन द मोबाइल फोन जिस बच्चों के पास है, क्योंकि एप्लीकेशन पे डाउनलोड का ऑप्शन है, वीडियो डाउनलोड करिए, फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। जिसके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में फोन तो बंद ही कर दीजिए भाई साहब, वो तो फोन बंद कर दे। जिनके पास कंप्यूटर है वो फोन बंद कर दे, साइड में रखते हैं लैपटॉप भाई कर लीजिए। लैपटॉप माइंड आपके डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, फोन पे हो जाता है, क्योंकि अलग अलग चीजें। और जो बच्चे यूट्यूब पे हैं, एक कसम खाइए आज के शॉर्ट्स को बिल्कुल नहीं देखेंगे, कितना भी अट्रैक्टिव थंबनेल आ जाए, कितना भी आ जाए, बोले कि भैया ये से ये हो गया, ये मर गया, कुछ भी हो गया, भाई उस सब चीज को छोड़िए, और सिर्फ आप किस पे फोकस करिए भाई, पढ़ना है। मन करेगा एक बार को छूने को, लेकिन नहीं छूना, ठीक है? तो 3rd यूनिट इस टाइम पे खत्म कर देंगे, 1 घंटे आप रेस्ट लीजिए। रेस्ट कैसे लेना है आपको?
थोड़ा सा आप अगर टी लेते हैं तो टी ले लीजिए, कॉफी लेते हैं तो कॉफी, इन बिटवीन आप कॉफी लेंगे ना तो कॉफी से आपको नींद कम आएगी। और कॉफी कैसे, पानी में, आप इसमें मिल्क में मत डालिए कॉफी को, तो आप थोड़ा सा कॉफी ले लीजिए, थोड़ा सा वॉक वगैरह करके, या फिर एकदम माइंड को रिलैक्स करके जो पढ़ा है आपने उस सबको रिमाइंड करिए, ठीक है। इसके बाद आप 8 बजे या 8:30 बजे, 1.5 घंटे का गैप है, टीवी से अवॉइड रहिएगा, क्योंकि गर्ल्स वगैरह देखता हूँ टीवी, अब तो टीवी खैर कम देखते हैं बच्चे, लेकिन मोबाइल इंस्टा इंस्टा पे देख लेते हैं। और ये फील मत करिएगा कि भाई मैंने आज ये यूनिट खत्म कर दिया है, जब आपको अपने आप में ये एक आने लग जाएगा ना ओवर कॉन्फिडेंस, है तीन तीसरी यूनिट खत्म कर दिया मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वही टाइम होगा आपको डाउन करने वाला, वो मोटिव आपका डाउन हो जाएगा। आपने बस ये टारगेट रखना भैया पूरा पेपर हमें खत्म करना है पूरे अच्छे से, तो 3rd यूनिट आपने करना है। इसके बाद आ जाते हैं हम 9 बजे, मान लेते हैं टेंटेटिव 8:30 9 बजे, 9 से 11 का टाइम है। 9 से 11 के टाइम में आपको कौन सा चैप्टर निपटा देना है सर? मैं छोटे छोटे चैप्टर टारगेट लेके चल रहा हूँ, ईपीएस 1 खत्म कर देना है, नंबर 2 एक खत्म कर देना है हमें, बायबैक नंबर 3, और ये बहुत छोटे चैप्टर है, बहुत इजीली हो जाएगा। और आज शाम को मैं आपको ईएसओपी रिवाइज पूरा करा दूंगा, कुछ का था हाँ ना हाँ में चल रहा था, तो आज पूरा ईएसओपी करा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो अंडर राइटर, और मैंने सास से ये बोला मैं लाइव क्लास लूंगा, तो उस टाइम एंजॉय करिए, लाइव क्लास ले लीजिए बस, ठीक है, फिर 1 घंटा आप दे दीजिए। अंडर राइटर, तो ये 3 चैप्टर और एक बोनस, कुछ ये 4 चैप्टर ना आज आप खत्म कर लें, आज आप पूरा खत्म कर लें, ये यूनिट और ये चैप्टर खत्म कर लें। मैं चैप्टर भी बता रहा हूँ स्पेसिफिक, क्योंकि सर मैं बोनस बायबैक को और अंडर राइटिंग दो से 2.5 घंटे में अगर बैठूं, तो अगर हमने पहले पहले पढ़ा हुआ है तो हम इजिली खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं, आज का दिन खत्म हो जाता है, हमारे पास 23 तारीख है, आज हमने पूरा सीए को टाइम दिया, कॉर्पोरेट अकाउंट को, 23 23 तारीख को आप कोशिश करिए आपका वेकअप टाइम हो एटलीस्ट 7 AM, और ये रेडी टू स्टडी टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 7 बजे उठे और 12 बजे पढ़ने बैठे, नहीं, रेडी टू स्टडी टाइम होना चाहिए, मतलब 7 बजे, 7 बजे आप उठिए और 7 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट करिए आपका जो हिंदी मेन सब्जेक्ट है, ठीक है ना। हिंदी में कैसे पढ़ना है वो आपको अच्छे से पता होगा, मैं मुझे सिलेबस भी नहीं पता हिंदी का क्या है एक्चुअल में, क्योंकि चेंज होता रहता है हर बार, तो वो आप अच्छे से जानते हो। 7 से लेके आप 12 बजे तक, कल 23 तारीख को 12 बजे तक आप हिंदी पढ़ेंगे, और हिंदी में जितने चैप्टर है स्टोरी वाइज, चाहे आप जैसे भी सपोर्टिव ले रहे हैं या फिर जैसे भी आप कर रहे हैं, वो सारी चीजें खत्म करिए 12 बजे। एंड 12 बजे ना अगेन आप स्टॉप कर दीजिए, आप 12 बजे के बाद आप फिर से मुझे 2 घंटे का रेस्ट है आपका, और फिर मुझे कल का टाइम, मतलब मुझे जो चाहिए टाइमिंग वो 2 से लेके फिर रात के 12 बजे का टाइमिंग चाहिए, और कल हम 10 घंटे, 10 घंटे में हम 8 घंटे यूटिलाइज कर सकते हैं। कौन सा यूनिट खत्म करना है? नंबर 1 कल का टारगेट जो हमारा रहने वाला है कल का, ठीक है ना, कुछ हैवी चैप्टर उठाएंगे जो कि हमें परेशान कर सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल हम उठाएंगे फाइनल अकाउंट पहले 7-8 बजे तक, और दूसरा सीएफएस ये उठा लेंगे, ठीक है ना। यानी कल का टारगेट है कि फाइनल अकाउंट और सीएफएस और एक बहुत छोटा सा चैप्टर कर लेंगे हम रिकंस्ट्रक्शन, यानी कल बस इतने टारगेट लेके चलिए कि भाई ये चैप्टर हमने खत्म करना है। पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए? टेनियर उठाइए, टेनियर शिवदास का है, नियर बाय शॉप से ले लेंगे, मिल जाएगा अभी भी, ऐसा मत समझिए कि 100-150 रुपए आपका वेस्ट हो रहे हैं। मैंने कई बार नंबर दिया हुआ है, नंबर नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो शिवदास का टेनियर उठाइए, और उसके नोट्स मैंने सारे यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और जो बच्चे मेरे पेड एप्लीकेशन पे है उनका पूरा फोल्डर वाइज स्टार वाइज सारी चीजें उसका मेंटेन है, तो वो तो सारा कर ले। तो इन चैप्टर को कर लेंगे कल। कल हिंदी में कितने टॉपिक करने हैं ये मैंने बता दिया, ठीक है। यानी आज का टाइम पूरा अकाउंट्स के अंदर यूटिलाइज करना, आप लिख लीजिएगा ये टाइम टेबल, सिर्फ देखने और स्क्रीनशॉट मारने से कुछ भी नहीं होने वाला है, लिख लीजिएगा और डेडिकेटली आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करिए, ये रहेगा। अब रह गया 24, 24 को टेंस है कि 25 को हमारा हिंदी का पेपर है, तो 24 को हम क्या करने वाले हैं, फिर से 7 AM का टाइम लगाएंगे, और 7 से सिर्फ 9 बजे तक, 9 AM तक, सिर्फ 9 बजे तक जो है हम टाइम देंगे सीए को, सिर्फ 9 बजे तक, ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम, सिर्फ 9 बजे तक। और हिंदी होपफुली आपने कुछ पढ़ भी लिया हो,
बजे तक टाइम देंगे, और 9 बजे तक का टाइम है, 2 घंटे में क्या करना है सर हमें, हमें 2 आवर्स में रिवाइज करना है यूनिट नंबर 5, पढ़ना है बस आपने, लिख के देख लेना एक बार को, थोड़ा फ्लो बन जाएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 5, अगर ये नहीं करना चाहते तो इसके ऑल्टरनेटिव में मैं बता दूं आपको, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, इसके ऑल्टरनेटिव में ये लेना है, ठीक है। तो ये 2 घंटे में आराम से खत्म हो सकता है सर, या तो यूनिट 5 रिवाइज कर लीजिए, या ये इसके खत्म करने के बाद आप सीए के बारे में भूल जाइए, और पूरा पूरा आपके पास जो हिंदी इंग्लिश या कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है उसके ऊपर फोकस करिएगा। इसके बाद 25 तारीख को आपका एग्जाम है, उसके बाद आप सीए के बारे में भूल जाइए और एग्जाम दीजिए, ठीक है। एग्जाम देके आप शाम को 6 बजे तक, मैं मान के चल रहा हूं, आप आ जाओगे, और मैं 7 बजे आपको एक क्लास कंडक्ट कर दूंगा। क्लास कंडक्ट इन द सेंस आधे घंटे का एक सेशन ले लूंगा जिसमें बता दूंगा कैसे क्या करना है। इन बिटवीन में देखो, 22 को आज भी क्लास है, मैं कल भी क्लास लूंगा 7 बजे, कल भी क्लास लूंगा मैं, और मैं परसों भी क्लास लूंगा। जो छोटे छोटे चीजें हैं मैं रिमाइंडर टाइप का डालता रहूंगा, और आज के एग्जाम से मैं बिल्कुल स्ट्रेटेजी बना के लेके चलूंगा कि आपका 25 को मैं फिर से बताऊंगा आपको एक टाइम टेबल कैसे करना है। तो होपफुली आपको मैंने आज का दिन यूटिलाइज करने का टाइम बताया, और बिल्कुल फोकस रहेंगे ना, यकीन मानिए बहुत अच्छा पेपर जाएगा। जिन बच्चों ने अभी स्टडी अच्छे से नहीं करा, सो हाँ ना चैप्टर आता है जाता है वैसे किया, वन शॉर्ट्स वीडियो अवेलेबल है वहां पे आपके, सारा का सारा यूट्यूब पे मैंने लगभग कुछ काफी चैप्टर के डाल दिए हैं वन शॉर्ट वीडियो भी। एप्लीकेशन के अंदर आपको बिल्कुल स्ट्रांग बना के किया है, जो बच्चे एप्लीकेशन पे, नो नीड टू एनी वेयर गो, कहीं नहीं जाना, वीडियो को डाउनलोड करिए और आराम से देखिए, और अगर वीडियो आपने कंप्लीट कर लिया तो नो नीड टू बाय वीडियो, उसमें टाइम वेस्ट मत करिए, आप पढ़ने पे वेस्ट करिए टाइम, फटाफट से पढ़िए आप और उसको प्रैक्टिस करिए। तो ये पूरा टारगेट मैंने एक, जो मुझे लगा कि बच्चों को शायद जरूरत होगी, और बच्चों के लिए मुझे ये वीडियो बना लेना चाहिए, क्योंकि टाइम कैसे यूटिलाइज हो, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली, जो इंटेलिजेंट है, उनका अपना खुद का टाइम टेबल है, वो वही फोकस करें, वही फॉलो करें, क्योंकि हर बच्चे की क्या कैपेबिलिटी है वो अच्छे से जानता है अपने आप में। मैंने उन बच्चों के लिए बोला है जो कि ये मतलब अभी तक कुछ प्लानिंग नहीं करें, तो होपफुली आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, और मैं इसी तरीके से आपके लिए हमेशा वीडियो लेके आता रहूंगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं हम इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो कमेंट में जरूर डालिए कि सर हमें इससे बेनिफिट हुआ है, ताकि दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट मिल जाए, दूसरे बच्चों को थोड़ा सा मोटिव मैं भी हो जाऊं कि हाँ बच्चों को हम मेरे एफर्ट्स का बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि ये मैं नॉर्मल बोर्ड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर पुरानी वीडियो है, बिल्कुल भी पुरानी वीडियो नहीं है, मैं तारीख भी बोल देता हूँ, आज 22 तारीख है, वैसे बोल ही दिया मैंने, क्योंकि जैसे जैसे मुझे जहां जहां से जिस सेंटर पे मुझे थोड़ा भी समय मिल जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर लो। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।